Hello children, today we are going to continue reading chapter 1 of your economics book and here we are going to discuss this section called non-farm activities in Palampur. तो यहाँ पे हम ऐसे activities के बारे में पढ़ेंगे जो farming के साथ जुड़ा हुआ नहीं है. तो ये non-farm activities है जो पालमपुर के लोग वहाँ पे करते हैं. तो हमने पहले से जान रखा है कि 75% जो population है वहाँ का यानी पालमपुर का वो dependent है किस में, तो farm में. अब ये जो बचा 25% है वो क्या करते हैं, इस बारे में हम यहाँ पे जानने वाले. तो पढ़ना शुरू करते हैं. We have learned about farming as the main production activity in Palampur. तो हमने ये पढ़ रखा है कि जो main production activity होता है जो पालमपुर में लोग करते हैं वो है तुम्हारा farming. We shall now take a look at some of the non-farm production activities. तो अब हम पढ़ने वाले कुछ non-farm production activities के बारे में, यानी कि ऐसे production activities जो कि किसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, farming के साथ जुड़ा हुआ नहीं है. Only 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. तो ये बात मैंने तुम्हें पहले से बता दिया है कि जो 75% है वो तो farming से जुड़ा हुआ है. तो जो 100 में 75 घटाओगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा. तो यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है कि सिर्फ 25% जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं पालमपुर में, ये engaged यानी वो काम करते हैं कैसे, तो वो non-farm activities में वो involved है. तो यहाँ पे सबसे पहला जो नॉन फार्म एक्टिविटी है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है तुम्हारा डेयरी. तो यहाँ पे दिखेगा डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी. तो फार्मिंग के बाद दूसरा जो कॉमन एक्टिविटी है जो कि एक नॉन फार्म एक्टिविटी है वो क्या है, तुम्हारा डेयरी है. तो डेयरी में हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो डेयरी में हम मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और साथ में मिल्क के प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं. तो अब पढ़ना शुरू करते हैं. डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर. तो बहुत सारे फैमिलीज जो पालमपुर में वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि डेयरी क्या है, एक कॉमन एक्टिविटी यानी कि एक आम एक्टिविटी है. पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास एंड द जो आर इन बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो लोग हैं उनका जो बफेलोज होता है उनको वो क्या खिलाते, तो वो अलग अलग किस्म के ग्रास खिलाते यानी घास खिलाते और साथ में वो जो रेनी सीजन में जो और बाजरा जो उगाते हैं उसको भी वो उनको खिलाते. किनको खिलाते हैं, तो मैं यहाँ पे बफेलोज की बात कर रही हूँ. द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज द नियर बाई लार्ज विलेज. तो यहाँ पे बोला गया ये जो दूध है जो कलेक्ट करते इन बफेलोज से, तो ये वो कहाँ पे भेजते हैं, तो बोला गया है कि ये जो दूध वो प्रोड्यूस करते बफेलोज की मदद से वो नियर बाई जो उनका जो विलेज है, याद है मैंने तुम्हें पढ़ाया था 3 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा विलेज है जिसका नाम है रायगंज, तो वही वाला विलेज में वो बेचते. तो यहाँ पे लिखा गया द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज द नियर बाई लार्ज विलेज. तो ये मैंने तुम्हें पहले से पढ़ा रखा है रायगंज के बारे में. Two traders from Sahapur town have set up collection cum chilling centers at Raiganj from where the milk is transported to far away town cities. तो यहाँ पे याद रखना है कि वहाँ पे यानी कि रायगंज में दो ट्रेडर्स जो कि सापुर की है. सापुर क्या था, तो मैंने बोला था एक स्मॉल टाउन है. तो ये जो सापुर के दो ट्रेडर्स ने रायगंज में क्या बनाया है, तो बोला गया है कि वहाँ पे उन्होंने बनाया है कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स. तो कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स मतलब कलेक्शन जहाँ पे हम दूध कलेक्ट करते हैं, चिलिंग मतलब उसको ठंडा भी करते हैं. तो ऐसा सेंटर उन्होंने कहाँ पे बनाया, तो उन्होंने रायगंज में बनाया. तो ये ट्रेडर्स कहाँ के हैं, तो मैंने तुम्हें बताया दो ट्रेडर्स कहाँ के हैं, तो मैंने बोला तुमको वो ट्रेडर्स सापुर के हैं और उन्होंने रायगंज में कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर वहाँ पे उन्होंने बनाया है. और वहाँ पे कौन दूध जाके बेचता है, तो हम यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं कि पालमपुर के जो लोग हैं जो डेयरी में इन्वॉल्व है वो वहाँ पे जाके दूध बेचते हैं. तो नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि ये जो दूध है जो यहाँ पे कलेक्ट होता है यानी कि जो कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर जो बनाया गया है रायगंज पे जहाँ पे वो कलेक्ट होता है, इन ये दूध को क्या किया जाता है, तो इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है यानी कि भेजा जाता है टू फार अवे टाउन सिटीज, यानी कि टाउन सिटीज में वो दूध को वहाँ से भेजा जाता है. तो यहाँ पे आगे तुम्हें एक लेट डिस्कस दिखेगा पेज नंबर 11 में, अगर तुम वहाँ पे देखोगे तो ये वाला पोर्शन में बात करें लेट डिस्कस. तो यहाँ पे बोला गया है कि लेट अस टेक थ्री फार्मर्स. तो हम थ्री फार्मर्स ले लेते हैं. ईच हैज ग्रोन वीट ऑन हिज फील्ड दो द प्रोडक्शन इज डिफरेंट. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक वाला सबसे पहले वाला मैं कर देती हूँ, ये फार्मर वन वाला, बाकी वो टू और थ्री तो तुम खुद से कर पाओगे उसके बाद. तो ये जो फार्मर वन है यहाँ पे जो तुम्हारा बुक है वो वाला हम बना देते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे सबसे पहला ऐसा बॉक्स टेबल टाइप का बना हुआ है. तो सबसे पहला जो टेबल है वहाँ पे यहाँ पे जो सबसे पहला कॉलम है उसमें ईयर लिखा हुआ है, पहले बना देते हैं. तो सबसे पहले वाले में ईयर वन, अब मैं वाई लिख देती हूँ ईयर के लिए, वाई टू और वाई थ्री. तो ईयर तीन ईयर्स का है. उसके बाद जाके यहाँ सबसे ऊपर वाले में प्रोडक्शन PROD लिख देती हूँ प्रोडक्शन को समझाने के लिए.
उसके बाद यहाँ पे कॉन्जम्पशन, इसी वजह से लिख देती हूँ कॉन्जम्पशन को समझाने के लिए। उसके बाद आगे यहाँ पे सरप्लस, सरप्लस और इसका फॉर्मूला दिया गया है, सरप्लस इक्वल्स टू प्रोडक्शन माइनस कॉन्जम्पशन। उसके बाद यहाँ पे दिया है कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो कैपिटल फॉर नेक्स्ट को एन लिख देते हैं और ईयर को वाई लिख देते हैं, तो न्यू ईयर नहीं है वो, नेक्स्ट ईयर याद रखना। तो ये मैं यहाँ पे लाइन भी खींच देती हूँ समझने के लिए आसानी, ताकि वो, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है मैंने क्या किया है। मैंने यहाँ पे जो तुम्हारा टेबल जिससे बना हुआ है, जो बुक में तुम्हें वही वाला टेबल मैं यहाँ पे बना रही हूँ, बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे बोला गया लेट अस टेक थ्री फार्मर्स, तो हमने सबसे पहला वाला फार्मर लिया, सेकेंड और थर्ड नहीं लिया है। इट हैज ग्रोन वीट ऑन इस फील्ड, तो तीनों ने क्या उगाया अपने खेत में, तो वीट उगाया है। उसके बाद बोला गया कि दो द प्रोडक्शन इज डिफरेंट, तो याद रखना है जो प्रोडक्शन है वो अलग अलग है तीनों ही केसेस में। द कॉन्जम्पशन ऑफ वीट बाई ईच फार्मर फैमिली इज द सेम, तो ये जितना मात्रा में वीट खा रहे हैं यानी उनके जो परिवार में जितना कंज्यूम कर रहे हैं वो उनका मात्रा सेम है तीनों केसेस में। द होल ऑफ सरप्लस वीट दिस ईयर इज यूज एज कैपिटल फॉर नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन, यानी कि जो सरप्लस जो बचता है यहाँ पे, जो सरप्लस बचेगा वो कैपिटल के रूप में इस्तेमाल में आएगा आने वाला साल। उसके बाद बोला ऑल्सो सपोज, तो मान लेते हैं कि प्रोडक्शन इज ट्वाइस द कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन, तो यहाँ पे बोला गया है कि मान लेते हैं कि जो प्रोडक्शन है वो क्या है, ट्वाइस है कैपिटल का जो हम इस्तेमाल करते प्रोडक्शन करते वक्त, तो उसका डबल मात्रा में हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला लिख लेते हैं, सबसे पहले दिया है 100 120, उसके इस बगल में 40 40 40, तो ये याद रखो, तो मैं 40 लिख रही है कंजम्पशन, यानी कि उनके घर परिवार के लोग कितना वो खा रहे हैं यानी कितना कंज्यूम कर रहे हैं वीट जो उगा रहे हैं। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा 100 में 100 क्या था, प्रोडक्शन था, और उसके बाद जाके 100 में जब उन्होंने कंज्यूम किया, 40 कंज्यूम किया, तो कितना बचा, तो 60, तो ये 60 क्या हुआ, कैपिटल हुआ फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो ये जो कैपिटल है उसको हम डबल करके प्रोडक्शन, यहाँ पे मैंने बोला था कैपिटल का डबल होगा तुम्हारा प्रोडक्शन, जैसे कि हमने ये लाइन में पढ़ लिया है, मान लेते हैं प्रोडक्शन इज ट्वाइस द कैपिटल, तो प्रोडक्शन इज ट्वाइस द कैपिटल, तो ये 60 था कैपिटल, तो 60 का डबल हो गया 120, तो यहाँ पे 120 हो गया प्रोडक्शन, तो 120 में 40 कटता हो कितना बचेगा, तो 120 में 40 कटाने पर तुम्हारा आया 80। अभी 80 जो है वो कैपिटल होगा आने वाले साल के लिए, तो 80 का डबल कितना होता है, 8 × 16, तो 160, 160 में 40 घटाओगे तो कितना आएगा, 160 में 40 घटाओगे तो 120 आएगा, तो ये 120 क्या होगा आने वाले साल के लिए, क्या होगा, कैपिटल होगा, जो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर प्रोडक्शन डबल हो जाएगा, तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। तो यहाँ पे ये तुम्हें ये चार्ट समझा रहा है, तो यहाँ पे तुम्हें फार्मर टू और फार्मर थ्री का तुम खुद से भी कर सकते हो, और वहाँ पे जब तुम फार्मर थ्री का करोगे तो आखिरी वाला जो ईयर थ्री होगा वहाँ पे तुम्हें जीरो मिलेगा, यानी कैपिटल जो होगा नेक्स्ट ईयर के लिए वहाँ पे जीरो कैपिटल बचा होगा ईयर टू के अंत में, इसलिए नेक्स्ट ईयर के लिए जो कैपिटल होगा वहाँ पे जीरो होगा, इसलिए जो उनको अगर प्रोडक्शन करने की आवश्यकता पड़ी, अगर उनको प्रोडक्शन करना होगा तो उस वक्त उनको क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उनके पास कैपिटल नहीं होगा। तो ये तुम्हें समझना है, तो ये फार्मर टू और फार्मर थ्री को तुम्हें खुद से करना है। तो यहाँ पे लिखा है कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ वीट बाय द थ्री फार्मर्स ओवर द इयर्स, तो ये तुम सॉल्व कर लो और कंपेयर कर सकते हो तुम खुद से। अदर व्हाट हैपेंस टू द फार्मर टू फार्मर थ्री इन ईयर थ्री, तो मैंने ये आंसर तुम्हें अभी बताया कि जब तुम ये अच्छे से सॉल्व करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व करके तुम्हें दिखाया, इसी मेथड को फॉलो करके प्रोडक्शन में कंजम्पशन को घटाओ तो तुम्हें क्या मिलेगा, तो मैंने बोला ये सरप्लस मिल जाएगा, यानी कि जो एक्स्ट्रा बचा है वो अमाउंट हमें मिल जाएगा, और ये जो सरप्लस है उसी को तुम्हें कैपिटल में लिखना है, और ये जो कैपिटल होगा उसको तुम्हें डबल करके प्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद आने वाला साल का भी जो कंजम्पशन है 40 ही है, इसलिए उसको घटा दो, तो 80 आया, तो 80 में फिर हमने 80 को कहाँ लिखा, कैपिटल में लिखा, और मैंने बोला था तुमको कि 80 जो होगा यानी जो कैपिटल हो, कैपिटल का डबल होगा प्रोडक्शन, इसलिए 8 × 16, इसलिए मैंने वहाँ पे 160 लिखा है, और ये जो कॉन्जम्पशन है वो तो 40 है पहले से दिया हुआ है, और यहाँ पे 40 जब घटाओगे तो 120 आएगा, तो 120 क्या था, कैपिटल था। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है तुम्हें फार्मर वन के केस में कि ये जो फार्मर वन है वो क्या कर रहा है, वो प्रॉस्पर कर रहा है, यानी कि उसका जो कैपिटल है वो बढ़ता ही जा रहा है, प्रोडक्शन भी बढ़ता ही जा रहा है, कंजम्पशन उतने का उतना है, और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है वो क्या कर रहा है, तरक्की कर रहा है। लेकिन फार्मर थ्री के केस में जब तुम ये सॉल्व करोगे तो वहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा फार्मर थ्री के केस में
तरक्की के अपोजिट होगा, यानी कि वो उसका जो हालत होगा वो बिगड़ता जाएगा, और जो थर्ड ईयर तक तो उसके पास कैपिटल ही नहीं बचेगा। और ऐसे केस में अगर वो खेती करना चाहे तो उसको क्या लेने की आवश्यकता पड़ेगी, तो लोन लेने की आवश्यकता पड़ेगी।